और तकरीबन चार घंटे बाद, जी हाँ, बिहार से बड़ी खबर आ सकती है। दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दोपहर 3 बजे 14 से 15 मंत्री शपथ ले सकते हैं। खास बात यह कि मंत्रिमंडल में ज्यादातर जेडीयू के पुराने चेहरों को जगह मिलेगी, कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं और बीजेपी के पुराने और कद्दावर नेता नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार जो कि पहले मंत्रिमंडल में भी हिस्सा थे, एक बार फिर से उनको मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने की प्रबल संभावना है। कल ही बहुमत साबित किया, 131 विधायकों ने पक्ष में वोट दिया था, जो विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित किया। और आज बिहार में 14 से 15 मंत्री शपथ ले सकते हैं। शक्ल क्या होगी मंत्रिमंडल की, ये तस्वीर साफ होगी दोपहर 3 बजे के आसपास। हमारे साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रकाश, मंत्रिमंडल की तस्वीर थोड़ी साफ हो पा रही है, कौन कौन होगा और क्या शक्ल होगी, क्या तस्वीर होगी? देखिए, जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक जेडीयू की तरफ से लगभग वही बातें हो रही हैं जो पिछले मंत्रिमंडल में थे। कुछ हो सकता है कि बदलाव हो, लेकिन बड़े तौर पर देखा जाए तो जो मंत्री रहे हैं उनका लगभग तय है, जिसमें श्रवण कुमार, ललन सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव जो कद्दावर नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं नीतीश सरकार में, उनका नाम जरूर होगा जी। और दूसरी तरफ बीजेपी में जो पुराने नेता है नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, ये तो रहेंगे ही, इसके अलावा दूसरे कुछ नेता भी हो सकते हैं। और पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के भाई भी हैं एलजेपी से, उनकी बहुत संभावनाएं बन रही हैं कि वो मंत्री भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार ये पूरी खबरों तक पहुंचाने के लिए। 17 साल पुराना गठबंधन टूटा था जब एनडीए से बाहर हुए थे नीतीश कुमार, और अब फिर से घर वापसी बीजेपी और जेडीयू की मिलकर सरकार। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।